हेलो स्टूडेंट्स, एमए क्लासेस के इस वीडियो में आपका स्वागत है। मैं इस वीडियो में 2 MCQ बताऊंगा लीनियर अलजेब्रा पर। सबसे पहले हम लोग देखते हैं लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, उसके बारे में उसके बाद मैं बात करूंगा इस क्वेश्चन पर। तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन एक वेक्टर स्पेस यू एक वेक्टर स्पेस है और दूसरा वेक्टर स्पेस भी है, दोनों सेम फील्ड में डिफाइंड है। मान लीजिए दोनों सेम फील्ड एफ में डिफाइंड है। तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन एक मैपिंग होता है, एक फंक्शन होता है जिसको टी से डिनोट कर रहे हैं यू से भी में, और वो दो कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। फॉर ऑल ई बी बिलोंग्स टू एफ, कोई भी दो स्केलर ले लेते हैं, फील्ड का मेंबर ले लेते हैं, और कोई भी दो वेक्टर ले लेते हैं अल्फा बीटा, कोई भी हम लोग यू का मेंबर ले लेते हैं, यहाँ अल्फा बीटा कोई भी होना चाहिए, और वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। मैपिंग जो है वो टी ऑफ ए अल्फा प्लस बी बीटा इक्वल टू ए इंटू टी ऑफ अल्फा प्लस बी इंटू टी ऑफ बीटा, इस कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, तब इसको हम लोग इस मैपिंग को कहते हैं लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम वेक्टर स्पेस यू इंटू वेक्टर स्पेस भी। अब जरा देखिए, ये जो दो एक कंडीशन जो है वो दो कंडीशन से मिलकर के बना हुआ है। एक्चुअली टी ऑफ अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू होना चाहिए टी ऑफ अल्फा प्लस टी ऑफ बीटा होना चाहिए, और दूसरा है टी ऑफ ए अल्फा इक्वल टू होना चाहिए ए इंटू टी ऑफ अल्फा। ये दोनों को कंबाइन कर देंगे तो ये बन जाएगा। तो अगर कोई भी मैपिंग को चेक करना है कि वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है या नहीं, तो हम लोग चेक करेंगे कि ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। अगर दोनों में से कोई भी अगर एक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा। ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहिए, या ये दोनों अलग अलग चेक नहीं करके हम लोग सिंगल ये चेक कर सकते हैं कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तो भी ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग सबसे पहला फर्स्ट क्वेश्चन ये ले रहे हैं कि लेट टी बी ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑन आर स्क्वायर इंटू इट्सेल्फ। टी जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है वो आर स्क्वायर से टू टपल्स से टू टपल्स वाला ही वेक्टर स्पेस में डिफाइंड है, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर में ही डिफाइंड है। इंटू इट्सेल्फ सच दैट, ऐसा डिफाइंड है कि 1 0 का इमेज जो है वो 1 2 है, और 1 1 का जो इमेज है वो है 0 2, ये इस तरीके से डिफाइंड है। तो देन टी ऑफ ए कॉमा बी, टी ऑफ ए कॉमा बी क्या होगा, यही निकालना है, सवाल यही है। अब टी ऑफ ए कॉमा बी जो है वो इस चार में से कौन सा होगा, तो देखिए हम लोग ये ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन बना रहे हैं, सब्जेक्टिव नहीं बना रहे हैं, तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं, सिर्फ ये चेक कर सकते हैं कि कौन सा वैल्यू, अगर ये हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन लेते हैं या इस तरीके से डिफाइन करते हैं या इस तरीके से करें या इस तरीके से करें ताकि इसका इमेज ये आ जाए, ये काम हम लोग कर सकते हैं, सिर्फ वेरीफाई करके देख सकते हैं। तो देखिए, अगर हम लोग इस तरीके से डिफाइंड करें टी ऑफ ए कॉमा बी का वैल्यू, यहाँ पर चार दिया हुआ है, चार में से कौन सा होगा यही चेक करना है। तो मान लीजिए अगर हम लोग इस तरीके से डिफाइंड करते हैं ए टू बी, तो ए कॉमा टू बी, तो देखिए ये 1 0 का इमेज इतना आता है या नहीं, 1 1 का इमेज इतना आता है या नहीं, चेक कीजिए। अगर हम लोग 1 0 का इमेज निकालें तो 1 0 का इमेज कितना आएगा, इस डेफिनेशन से ए के जगह 1 है और बी के जगह 0 है, तो बी के जगह 0 पुट करेंगे तो यहाँ 0 आ जाएगा, 1 0 आ रहा है, जबकि 1 0 का इमेज क्या होना चाहिए था, 1 2 होना चाहिए था, इसका मतलब ये नहीं होगा। अब ये अगर 2 AB से डिफाइन करें तब क्या होगा, 2 A, B से अगर डिफाइन करें तो A के जगह अगर 1 0 रखते हैं तो इसका क्या इमेज आएगा, A के जगह 1 रखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2, और B के जगह 0 रखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 0, जबकि इसका 1 0 का इमेज 1 2 है और यहाँ पर आ रहा है 2 0, इसका मतलब ये भी नहीं होगा। अब अगर A माइनस B 2A से डिफाइन करें तब, A माइनस B 2A से अगर डिफाइन करते हैं, A के जगह अगर 1 0 रखते हैं तो क्या इमेज आ रहा है, दोनों का डिफरेंस है तो 1 - 0 हो जाएगा यहाँ पर, और 2A है तो 2 × A के जगह 1 है तो कितना आ रहा है, 1 2 आ रहा है, इसका मतलब ये तो आ रहा है। अब 1 1 का इमेज भी ये भी निकालना पड़ेगा क्योंकि इसको भी सेटिस्फाई करना चाहिए, तो 1 1 का इमेज क्या होगा, 1 - 1 और फिर A का डबल है तो A है यहाँ पर 1 तो उसका डबल 2 तो ये आ रहा है 0 2, तो 0 2 ही यहाँ पर भी इमेज था, 1 1 का इमेज 0 2 था, इसका मतलब ये सही है। अब फिर ये भी चेक कर लीजिए, हालांकि ये जो MCQ है वो सिंगल ऑप्शन है यहाँ पर ट्रू, तो आप अगर सिंगल ऑप्शन ट्रू है तो ये ट्रू आ चुका है तो आगे चेक करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर मान लीजिए मल्टीपल ऑप्शन अगर ट्रू रहता तो फिर हम लोग ये भी चेक करते, तो यहाँ पर B हो जाता और B हो जाता तो B के जगह 0 है
तो 1 0 का अगर इमेज निकालते हैं इसी तरीके से, तो यहाँ पर बी के जगह 0 बैठाते हैं तो यहाँ पर हो जाता 0, जो फिर ट्रू नहीं आता। 1 0 का इमेज 1 2 है, जबकि 1 0 का इमेज 1 0 आ गया, तो ये भी ट्रू नहीं होता। तो इसका मतलब ये जो सेकेंड थर्ड ऑप्शन है वो इसका ट्रू है। एक नेक्स्ट क्वेश्चन मैं ये ले रहा हूँ कि कंसिडर द मैपिंग। एक मैपिंग इस तरीके से डिफाइन किया गया आर क्यू से आर स्क्वायर में, टी ऑफ एक्स कॉमा वाई जेड इक्वल टू एक्स प्लस वन कॉमा वाई प्लस जेड है। इसी तरीके से यहाँ पर दूसरा एक ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइन किया गया है, एक तीसरा मैपिंग डिफाइन किया गया है। इस तरीके से तीन मैपिंग डिफाइन किया गया। पूछा जा रहा है विच ऑफ द एबव आर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, इसमें से कौन सा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगा, फर्स्ट सेकेंड थर्ड है, या फर्स्ट सेकेंड ओनली है, या सेकेंड थर्ड ओनली है, या नन ऑफ दीज है। तो हम लोग को चेक करना पड़ेगा कि ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है या नहीं। अगर हम लोग फर्स्ट की बात करें तो फर्स्ट में क्या है, फर्स्ट में इस तरीके से डिफाइन किया गया है कि टी ऑफ एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड इक्वल टू एक्स प्लस वन वाई प्लस जेड है। ये आर क्यू से आर स्क्वायर में है, थ्री टपल से टू टपल्स में डिफाइंड है। तो ये अब चेक करना है कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है या नहीं। आर क्यू से आर स्क्वायर में डिफाइंड है, ये आर क्यू है और ये हाँ आर स्क्वायर में डिफाइंड है ये ट्रांसफॉर्मेशन। तो इसका कोई भी दो एलिमेंट लेंगे हम लोग, अल्फा के जगह मान लेते हैं एक्स वन वाई वन जेड वन, और बीटा के जगह मान लेते हैं यहाँ पर आर क्यू का लेना है, थ्री टपल्स लेना है, तो एक्स टू वाई टू और जेड टू मान लेते हैं। अब हम लोग ये चेक करते हैं कि टी अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू टी अल्फा प्लस टी बीटा आ रहा है या नहीं। अगर ये नहीं आएगा तो इसका मतलब लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है। तो टी अल्फा प्लस बीटा निकालते हैं, अल्फा के जगह है एक्स वन कॉमा वाई वन कॉमा जेड वन, और प्लस बीटा के जगह है एक्स टू कॉमा वाई टू कॉमा जेड टू, तो ये हो गया। अब देखिए यहाँ पर ये दो थ्री टपल्स का सम कैसे निकालते हैं, फर्स्ट कंपोनेंट को फर्स्ट कंपोनेंट के साथ एक्स वन प्लस एक्स टू, फिर सेकेंड कंपोनेंट को सेकेंड कंपोनेंट के साथ वाई वन प्लस वाई टू, फिर थर्ड कंपोनेंट को थर्ड कंपोनेंट के साथ जेड वन प्लस जेड टू। अब इसका इमेज कितना आ जाएगा, इसका इमेज आएगा टी ऑफ एक्स वाई जेड इक्वल टू एक्स प्लस वन वाई प्लस जेड है। तो यहाँ पर टी ऑफ एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड की जगह ये है, तो क्या होगा इसका इमेज एक्स प्लस वन, एक्स के जगह है एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस वन, और वाई प्लस जेड, तो ये दोनों का सम वाई वन प्लस वाई टू प्लस जेड वन प्लस जेड टू, ये हो गया टी ऑफ अल्फा प्लस बीटा। अगर हम लोग टी अल्फा प्लस टी बीटा निकाल करके चेक करें तो टी अल्फा के जगह यही है। अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, देखिए मैं ऐसा लिख दे रहा हूँ टी एक्स वन वाई वन जेड वन, और बीटा के जगह यहाँ पर है टी ऑफ एक्स टू, यहाँ पर है एक्स टू कॉमा वाई टू कॉमा जेड टू। इसका क्या इमेज आएगा, इसका इमेज डिफाइन किया गया एक्स प्लस वन वाई प्लस जेड, तो यहाँ एक्स वन प्लस वन और वाई वन प्लस जेड वन, फिर यहाँ पर होगा एक्स टू प्लस वन और फिर वाई टू प्लस जेड टू। अब फिर ये दोनों टू टपल्स का सम निकालना है, तो पहले फर्स्ट कंपोनेंट को फर्स्ट कंपोनेंट के साथ, तो एक्स वन प्लस एक्स टू और वन प्लस वन टू हो जाएगा, और यहाँ तो आ जाएगा वाई वन प्लस वाई टू प्लस जेड वन प्लस जेड टू, वाई वन प्लस वाई टू प्लस जेड वन प्लस जेड टू आ रहा है। लेकिन क्या ये इसके इक्वल आया, यहाँ एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस टू आया, यहाँ एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस वन आया, तो इसका मतलब ये दोनों इक्वल नहीं होगा। और जब इक्वल नहीं है तो इसका मतलब फर्स्ट वाला जो है वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है, फर्स्ट जो है वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है। अब हम लोग सेकेंड के बारे में देखते हैं कि जो सेकेंड है वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है या नहीं। देखिए अब सेकेंड में क्या था, सेकेंड जो है वो आर क्यू से आर में डिफाइंड है, आर क्यू से आर में डिफाइंड, और कैसे डिफाइंड है, यहाँ पर ये आर स्क्वायर से होगा, आर स्क्वायर से आर में डिफाइंड है। आर स्क्वायर से कैसे डिफाइंड है, टी ऑफ एक्स इन एक्स कॉमा वाई इक्वल टू एक्स इन टू वाई है। यहाँ पर देखिए ऐसा डिफाइंड है टी ऑफ एक्स कॉमा वाई इक्वल टू एक्स इन टू वाई है। तो ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगा या नहीं, ये हम लोग चेक करने के लिए इसका कोई भी दो एलिमेंट लेंगे। तो मान लेते हैं अल्फा के जगह हम लोग ले लिए एक्स वन वाई वन, एक ये ले लिए, और दूसरा एक्स टू सॉरी बीटा के जगह हम लोग ले लेते हैं एक्स टू वाई टू ले लेते हैं। ये आर स्क्वायर का दो मेंबर है, ये टू टपल्स वाला है। अब हम लोग टी ऑफ अल्फा प्लस बीटा निकालते हैं, तो टी ऑफ अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या होगा, टी ऑफ अल्फा के जगह है एक्स वन कॉमा वाई वन प्लस एक्स टू कॉमा वाई टू। अब ये दोनों का सम करते हैं, तो सम करते हैं तो एक्स वन प्लस एक्स टू कॉमा वाई वन प्लस वाई टू, और ये किसके बराबर आ जाएगा, इसका इमेज कैसे निकाला गया है, एक्स एक्स वाई का इमेज जो है वो एक्स इंटू वाई है।
तो इसका जो इमेज है वो x इंटू वाई मतलब ये दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगा, x1 प्लस x2 और y1 प्लस y2 हो जाएगा। अगर हम लोग t अल्फा प्लस t बीटा निकालें तब क्या आएगा, t अल्फा मतलब हो जाएगा t ऑफ x1 कॉमा y1 और प्लस t ऑफ बीटा का वैल्यू हो जाएगा x2 कॉमा y2, और t ऑफ x1 y1 का वैल्यू कितना आएगा, यहाँ से x1 इंटू y1 आ जाएगा और इसका वैल्यू आ जाएगा x2 इंटू y2। क्या ये इसके इक्वल आएगा, यहाँ तो x1 y1 होगा, फिर x1 y2 होगा, फिर x2 y1 होगा, यहाँ x2 y2 होगा यहाँ पर, जबकि है सिर्फ x1 y1 और x2 y2 है, तो ये दोनों इक्वल नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब सेकेंड वाला भी जो है वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा। अब थर्ड की अगर बात करें तो थर्ड कैसे डिफाइंड किया गया, ये देखिए थर्ड में आर क्यू से आर स्क्वायर में डिफाइंड है टी एक्स वाई जेड। देखिए टी एक्स वाई जेड इक्वल टू क्या है, मॉड ऑफ एक्स एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स और जीरो है, यहाँ आर क्यू से आर में डिफाइंड है आर स्क्वायर्स में। तो यहाँ पर अल्फा इक्वल टू हम लोग ले लेते हैं एक्स वन वाई वन जेड वन और बीटा इक्वल टू ले लेते हैं एक्स टू वाई टू जेड टू ले लेते हैं। और देखिए टी ऑफ अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, अल्फा और बीटा को ऐड करेंगे तो एक्स वन प्लस एक्स टू वाई वन प्लस वाई टू और जेड वन प्लस जेड टू आ जाएगा यहाँ पर, जेड वन प्लस जेड टू। और इसका टी इमेज क्या होगा, टी इमेज होगा कैसे डिफाइंड किया गया है, फर्स्ट कंपोनेंट का मॉडुलस और सेकेंड कंपोनेंट जीरो, तो फर्स्ट कंपोनेंट का मॉडुलस एक्स वन प्लस एक्स टू का मॉडुलस हो जाएगा और सेकेंड कंपोनेंट जीरो हो जाएगा। अगर टी अल्फा प्लस टी बीटा निकाले तब क्या आएगा, टी अल्फा मतलब इसका इमेज निकालना है, तो इसका इमेज निकालिएगा तो यहाँ पर आ जाएगा मॉड एक्स वन और कॉमा जीरो, प्लस टी ऑफ बीटा निकालेंगे तो इसका निकालेंगे तो मॉड एक्स टू प्लस सॉरी सेकेंड कंपोनेंट जो है वो जीरो आएगा। अब दोनों का सम कीजिएगा तो मॉड एक्स वन प्लस मॉड एक्स टू और ये जीरो में जीरो ऐड करेंगे तो जीरो ही आएगा। ये भी दोनों इक्वल नहीं है क्योंकि मॉड एक्स वन प्लस एक्स टू मॉड एक्स वन प्लस मॉड एक्स टू के बराबर नहीं होता है, ये दोनों इक्वल नहीं होता है। मॉड एक्स वन प्लस एक्स टू जो होता है वो लेस देन इक्वल टू होता है मॉड एक्स वन प्लस मॉड एक्स टू, हमेशा ये दोनों इक्वल नहीं होता है। तो ये दोनों इक्वल नहीं है, इसका मतलब ये कंपोनेंट ये टू टपल्स के बराबर नहीं होगा, तो इसलिए ये फिर दोनों इक्वल नहीं होगा, ये इक्वल नहीं होगा, तो इसका मतलब थर्ड भी जो है वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा। तो आप ये देख लीजिए कि कौन सा ऑप्शन ट्रू है, इसमें से फर्स्ट सेकेंड थर्ड में से कोई भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है, तो नन ऑफ दिस ये ऑप्शन ट्रू होगा, तो इसका जो है वो आंसर जो है वो डी हो गया। तो मैं इसी तरीके से लीनियर अलजेब्रा का दो दो या तीन तीन एमसीक्यू जो है वो प्रत्येक वीडियो में मैं बताऊंगा। आप लीनियर अलजेब्रा अगर पढ़े हैं तो मैं आपको एमसीक्यू बताते चले जाऊंगा, आप उसको रिवीजन कर सकते हैं, कुछ बना सकते हैं, इससे आपके कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी हो जाएगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एमसीक्यू लेकर के। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए। थैंक यू।